सबसे पहला न्यास जो है वो काली का बीज मंत्र है, उसको आप काटो तो तीन साउंड्स निकलते हैं, क र ई, ठीक है, ककार इकार रकार। अब ये तीन क्यों निकलते हैं, क्योंकि सृष्टि तीन से बनी है। ये तीन क्या है, मेल फीमेल न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, व्हाइट ब्लैक ग्रे, पाप पुण्य और कर्म। कर्म ना पाप है, क्रिया, पाप पुण्य और क्रिया, क्रिया ना पाप है ना पुण्य है, कर्म नहीं है वो क्रिया है। तो काली के बीज के काटो तो तीन साउंड निकलते हैं, कौन से निकलते हैं, क र ई। उसमें क जो है वो मेल है, फादर है, वो उसका ज्ञान है, वो उसका कारक है, उसका सर्जन है, उसका कॉज है। शिव मतलब कारण, मेल एस्पेक्ट मतलब बीज मतलब स्पर्म मतलब कारण, कारण क शिव है। क किसका बीज है, कामदेव और पदार्थ, पदार्थ सब्सटेंस, पदार्थ मतलब मटेरियल, मटेरियल। तो उसका काली का उद्गम स्थान क्या है, उसका बिगनिंग क्या है, उसका कारण क्या है। जिसको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए वो लोग काली को पकड़ गए। मुझे रात को 12 बजे एक जन ने मैसेज किया, मैं अपने एजेंट के साथ बात कर रहा था, मुझे काली माँ का सिद्धि करना है। मैं एक बार ना बोलने वाला था लेकिन माँ ने बोला मरने दे करने दे, बोले करो। वो काली माँ का सिद्धि जो करता है उसके लाइफ में इमरजेंसीज आती ही है, मतलब जो इष्ट देवी लेता है कर, सिद्धि करता है वो देख के करेगा, मकार के साथ करेगा तो नहीं, लेकिन इमरजेंसी नहीं हो तब तक। और सभी लोग आते हैं बोलते आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई वॉन्ट काली माँ मंत्र। अच्छा काली माँ का चाहिए, हाँ वाई, यू आर स्पिरिचुअल, यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अगर तुम काली माँ मांग रहे हो यू आर मटीरियलिस्टिक, और लगता है उल्टा। और वो क्या करती है, तो स्पिरिचुअल में कौन है, अभी आएगा ना काली तुम्हारा मटेरियलिस्टिक थॉट्स जलाकर तुमको स्पिरिचुअल बना देती है। तो सेम हो गया वो, ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल आ गया ना, आएगा कैसा आएगा, वो तुम रेस्टलेस रहोगे, मेरे को ये भी चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और वो तो कुछ तुम्हारा हाथ में आने ही नहीं देगी, देख के सब छीन लेगी, सब कुछ देगी और वो देने के बाद वो छीन लेगी। उसके बाद तो हो जाएगा ना स्पिरिचुअल, हाँ उसके बाद स्पिरिचुअल होगा नहीं होगा वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारा फ्री विल है। जय गुरुदेव जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे, इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं, और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुँचने का सफ़र तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। स्पिरिचुअल कर देती है, फिर उसका शक्ति, शक्ति मतलब उसका फेमिनिन एस्पेक्ट। अभी वेद के हिसाब से फेमिनिन एस्पेक्ट इज नेगेटिव एस्पेक्ट, तंत्र के हिसाब से फेमिनिन एस्पेक्ट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। शिव तंत्र, शक्ति तंत्र, हर तंत्र के हिसाब से फेमिनिन एस्पेक्ट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। शिव सूर्योदय में भी भगवान शिव कहते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रल इज पॉजिटिव। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के हिसाब से राइट नेगेटिव एस्पेक्ट इज फीमेल, बिकॉज बाइबल में लिखा है कि गिव टू गॉड दैट विच इज राइट एंड नॉट दैट विच इज लेफ्ट।
और इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि गॉड विल ओनली यू नो ट्रू मुस्लिम विल ओनली यूज राइट हैंड फॉर ऑल गुड वर्क्स. ओके, तो ये उसकी शक्ति कौन है, उसकी शक्ति कौन है, शक्ति है ई. ई किसका बीज है? ईश्वर बीज. ईश्वर बीज कहां से हुआ? ई ई हुआ शक्ति बीज. तो स्वयं शक्ति इसकी शक्ति है और पदार्थ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इसके शिव है और उसका रिजल्ट र. र किसका बीज है? रमा, अग्नि. और रमा अग्नि का भी बीज र है, रमा का भी बीज र है. तो वो गर्म करता है मंत्र को, हॉट करता है. इसके लिए जो भी मंत्र में र है वो गर्म मंत्र है ना. तो फिर कमला में र है तो सबसे ठंडा मंत्र क्यों माना जाता है?